one. ये क्या? मेरा पुत्र हनुमान रो रहा है? कितने असुरों को परास्त करने वाला हनुमान, सारी सृष्टि के संकट हरने वाला हनुमान रो रहा है? पिताश्री, अपनों की पीड़ा अपनी पीड़ा से भी अधिक दुख देती है। यदि कुछ क्षण और विलंब हो गया होता तो। पुत्र, जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं हो सकता। पुत्र हनुमान, देखो सकुशल हूं मैं, अब कैसी चिंता। ये ध्वज, वो भी उल्टा, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। मात्र गिरा ही तो है, इसमें अपशकुन कैसा? इस प्रकार की घटनाएं संकेत होती है भविष्य में होने वाले अच्छे बुरे समय का। इस राजकीय ध्वज का इस प्रकार उल्टा गिरना, वो भी राजा के ऊपर, ये तो अशुभ संकेत है भविष्य में होने वाली अनहोनी का। अंजना, तुम छोटी छोटी बातों पे भयभीत हो जाती हो। यह तो मात्र एक संयोग था, मैं घायल हो जाता यदि हनुमान समय रहते नहीं आता तो। आओ हनुमान, पिता पुत्र मिलकर निकालते हैं इस ध्वज को। चिंता मत कीजिए, आपका संकट मोचन हनुमान इस अपशगुन को अब शगुन में बदल देगा। आप अपने अश्रु पहुंचिए। चलो हनुमान। और इसे इसके यथावत स्थान पे लगा दो। जी पिताश्री। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जिसके ध्वज वाहक हनुमान, उसका कौन घटाए मान।
संकट मोचन सेवक जिसके, उस पर संकट आए कैसे। ढाल बने जिसके हनुमान, उसका सदा रहे कल्याण। मारुत जिसकी करते चिंता, उसका बाल कौन करे बंका। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केसरी नंदन हनुमान की जय। अंजना सुत हनुमान के जय। संकट मोचन हनुमान के जय। पुत्र हनुमान, तुमने अपने पिताश्री की रक्षा की, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अरे हाँ, ये तो बताओ वहाँ देवसभा में क्या हुआ? तुमने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक की या नहीं? वो माँ, मैंने ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उनके स्थान पर स्थापित कर दी है। और कालदेव से भेंट हुई? हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। हाँ, कालदेव से मिला था। और मित्रों, हनुमान, हनुमान, मित्र हनुमान, तुम आ गए। मित्र हनुमान, कुछ समय हमसे भी मिल लिया करो। चलो, आज बहुत दिनों के पश्चात क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। हो, तुम नहीं रहते हो तो क्रीड़ा में मन ही नहीं लगता। नहीं, मेरा मन नहीं है। जाओ पुत्र, मित्रों के लिए भी कुछ समय निकाल लो। क्रीड़ा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जी पिताश्री। हनुमान, 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 मुझे गुरुदेव। मैं तब तक महादेव के चरणों में शीश अर्पण करता रहूंगा जब तक मेरी मैं मृत ना हो जाए। शांत हो जाओ लंकेश। शांत हो जाओ। अपमान की ज्वाला से मेरा हृदय धड़क रहा है और आप कहते हैं शांत हो जाओ। अमृत चाहिए मुझे। लंकेश, कमल पुष्प सरोवर में ही खिलते हैं, चट्टानों पर नहीं। सदैव बल और छली काम। यदि सत्य है तो घोर तपस्या करेगा रावण और महादेव की स्थान ब्रह्मदेव को विवश कर देगा कि वो लंकेश दशानन रावण को अमृत दे ही दे।
छुपा छुपी का खेल खेले। किंतु कंदुक प्रहार कैसा रहेगा? थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो, हम सब मलयुद्ध करें, हम भी तो बड़े हो गए हैं। आज हमारा मित्र हनुमान किन विचारों में खोया है? कोई समस्या है क्या हनुमान? हो हाँ मित्र बताओ, कोई चिंता सता रही है क्या? हनुमान थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो, मित्र बड़े ही काम आते हैं। जो बात तुम किसी अन्य से नहीं कह सकते वो अपने मित्रों से तो कह ही सकते हो। बोलो हनुमान। यदि हल होता तो मैं अब तक इस समस्या का निदान कर ही लेता। तुमने तो ना जाने कितनी समस्याओं को हल किया है, हो सकता है हम सब भी मिलकर तुम्हारी समस्या का हल निकाल लें। नील जैसा ज्ञानी महाराज जो है हमारे पास। बताओ वत्स, क्या समस्या है तुम्हारी? हर समस्या का निदान है नील बाबा के पास। यदि मेरी माँ और पिताश्री को ये बात ज्ञात हो गई तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता। चिंता मत करो वत्स, तुम्हारी समस्या मेरे और मेरे इन शिष्यों के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाएगी। तुम निश्चिंत होकर अपनी बात बोलो पुत्र। ज्ञानी बाबा, मेरी समस्या ये है कि मुझे दो स्वप्न आते हैं। गंभीर है वत्स, मुझे चिंतन करना होगा। तो आइए ज्ञानी बाबा विराजिए। कुछ हल मिला ऋषिवर? नील बाबा के पास सभी समस्याओं का हल है और वो है ऋषिवर मतंग। ऋषिवर मतंग तो त्रिकालदर्शी हैं। वो तुम्हारे इस भयानक स्वप्नों के बारे में कुछ ना कुछ बता ही देंगे। कालदेव के दंड के विषय में कुछ ना कुछ तो इंगित कर ही देंगे। तो अभी चलते हैं ऋषिवर मतंग के पास। चले हाँ, चलो। शांत, किंतु ऋषिवर मतंग ध्यान मग्न है, उनका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। कालदेव ना जाने क्या दंड देंगे, मेरे स्वप्न का क्या अर्थ है? कहीं मेरे परिजनों पर तो कोई संकट नहीं है? मेरी दुविधा दूर कर दें ऋषिवर तो उचित है। हनुमान आओ पुत्र। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर वो हम कालदेव क्या दंड देंगे, दो स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, यही सोचकर चिंतित होना हनुमान। इन्हें तो सब ज्ञात है। ऋषिवर मतंग अवश्य हनुमान की दुविधा मिटा देंगे। तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है पुत्र हनुमान। स्वप्न कभी कभी भविष्य का दर्पण होता है। तुम्हारा स्वप्न भविष्य में आने वाले संकट का संकेत है पुत्र।
शिवर मतंग, मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु मेरे कारण मेरे प्रियजनों को कोई कष्ट नहीं होगा ना। ऋषिवर मतंग, आपका मोह मेरी और चिंता बढ़ा रहा है। बताइए ना, क्या छुपा हुआ है भविष्य के गर्भ में? हनुमान, छत्र लगा लो तो धूप से रक्षा होती है, जल भंडारण करके चलो तो मरुथल भी पार कर सकते हो, समय रहते ही उपाय कर लोगे तो संकट से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा काल का दंड तुम्हारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। कितना भयंकर होता है काल का दंड, जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकता है हनुमान। ये तो सत्य है महाराज कालदेव, किंतु आपने क्या सोचा है दंड के विषय में? चित्रगुप्त जी, आप भविष्य संहिता में देखकर बताइए कि हनुमान के परिवार में किसकी मृत्यु निकट भविष्य में होने वाली है। तो सब ज्ञात है, तो आप ही कोई उपाय बताइए, मेरी सहायता कीजिए। ऋषिवर मतंग, मैं कोई भी उपाय करने को प्रस्तुत हूँ। उपाय मात्र एक है। मृत्युंजय महादेव की शरण। भले ही हनुमान किसी के भी शरण में चला जाए, किसी की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करे, किंतु काल के दंड से कोई भी नहीं बचा पाएगा उसे। नियम है तो यम है, अड़िग है यम का नियम। बताइए चित्रगुप्त जी, किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में? ये देखिए, सुमेरु के राज परिवार में किसी भी सदस्य की आयु निकट भविष्य में पूर्ण नहीं हो रही है। प्रभु, अभी किसी की मृत्यु का योग नहीं है हनुमान के परिवार में। नहीं, यदि मृत्यु योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यु का योग। ये क्या कह रहे हैं महाराज कालदेव, कहीं आप अकाल मृत्यु की? अकाल मृत्यु, समस्त जीव धारा काल के हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे काल चलेगा वैसे ही उन्हें चलना होता है। किसी की आयु भले ही पूर्ण ना हुई हो, अकाल मृत्यु के द्वारा किसी की भी जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार है कालदेव के पास। मृत्युंजय महादेव। हाँ हनुमान, मृत्युंजय महादेव मृत्यु जैसे महासंकट से मुक्ति दिला देते, वही तुम्हें भी संकट से उबार सकते हैं पुत्र। ऋषिवर, क्या मेरे परिवार पे कोई बड़ा संकट आने वाला है? मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु। हनुमान के पिता की, पिता की, पिता की। हनुमान के मान के पिता के पिता के। हाँ हनुमान, संकेत तो संकट के ही है,